क्या तुम लोग को ये मालूम है कि हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? नहीं दीदी। हम गांधी जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? बापू। प्यार से हम सब लोग उन्हें बापू कहते हैं। बच्चों, क्या तुम लोग को ये पता है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? नहीं दीदी। अच्छा, तो मैं बताती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। शाबाश। बच्चों, क्या तुम लोग को ये पता है कि गांधी जी बहुत साधारण जीवन जीते थे? लोगों ने चरखा देखा है? बापू की तुमने कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो चरखा काटते रहते हैं, चरखे से सूत निकालते हैं, उससे खादी का वस्त्र बनता है और खादी वो पहनते थे और वो चाहते थे कि हम सब लोग भी खादी के बने वस्त्र पहने। अच्छा, ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना है? जी दीदी। हम तो रोज इसका खेल भी खेलते हैं दीदी। उस खेल में मैं एक बंदर बनती हूँ जो कहता है बुरा मत सुनो। अच्छा, कि हमें बुरी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। और दीदी, मैं उसमें एक बंदर बनता हूँ। मैं कहता हूँ बुरा मत बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए। दीदी, उसमें मैं एक बंदर बनता हूँ। मैं कहता हूँ बुरा मत देखो। जो गांधी जी का 3रा बंदर है वो कहता है कि हमें बुरी बात नहीं देखनी चाहिए, अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि न बुरा बोलो, न बुरी बात सुनो और न बुरी बात देखो। बच्चों, एक बात और भी है। क्या तुम लोग को ये पता है कि गांधी जी हमेशा सच बोलते थे और वो चाहते थे कि हम सब लोग सच बोलें। तुम लोग हमेशा सच बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जी। सच बात हमेशा करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब तुम लोग को पता है बच्चों? नहीं, आप बताइए। हाँ, अहिंसा का मतलब है बिना लड़े झगड़े, बिना मारपीट के कोई काम करना। तो बापू ने हमारे देश के लिए बहुत काम किया। उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन बिना मारपीट, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना हथियार की। ठीक है बच्चों, क्या तुम लोग को ये पता है कि उनकी पत्नी का क्या नाम था? नहीं दीदी। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा। और प्यार से सब लोग उनको कहते थे बा। क्या कहते थे? बा। हाँ, तो मैं तुमको एक किस्सा बताती हूँ, सुनोगे? जी दीदी। अच्छा, एक बार की बात है, बापू की जो पत्नी थी बा, वो बहुत बीमार पड़ गई। दवाई नहीं ली ना? चलो उठो। कितनी बार तुमसे कहा कि समय से दवा तो ले लिया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। लो पानी। बीमारी का
सबसे बड़ा इलाज होता है परहेज। इसलिए मेरी बात मानो, तुम भी परहेज करो। कैसा परहेज? भोजन में नमक लेना बंद कर दो। लेकिन नमक बिना भोजन तो अच्छा ही नहीं लगता। देखो, ठीक होने के लिए परहेज तो करना ही पड़ेगा ना। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, बोलो। अगर आपसे कोई कहे कि भोजन में नमक लेना बंद कर दो, तो बताइए आप नमक छोड़ देंगे? देखो, मैं बीमार हूँ और वैद्य मुझे कुछ छोड़ने के लिए कहें तो अवश्य छोड़ दूंगा, क्योंकि इसी में भलाई है। अब मैंने तुम्हें नमक छोड़ने के लिए कहा है, चलो एक साल के लिए मैं खुद ही नमक छोड़ देता हूं। आओ बैठो। कैसी तबीयत है अब? अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये सब आपकी ही सीख का नतीजा है। मेरी सीख? आप ही ने तो कहा था ना कि परहेज करो। अच्छा अच्छा, ओ नमक छोड़ने की बात कर रही हो तुम। और आपने भी पूरे एक साल के लिए नमक छोड़ दिया था मेरे साथ। अरे भाई, दूसरों को कोई सीख देने से पहले खुद को भी तो अमल करना चाहिए था ना, इसीलिए तुम्हारे साथ मैंने भी नमक छोड़ दिया। तो ऐसे थे बापू। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि मैंने देखो तुमको बापू के बारे में इतनी सारी बातें बताई, अब ये बताओ कि तुम लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे? जी दीदी। अच्छा मुझे बताओ कि 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। और जो मैंने किस्सा भी बताया ना, जब बा बीमार पड़ गई थी, तो ये बताओ कि जब बा बीमार पड़ गई तो बापू ने उनसे क्या कहा? बापू ने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि अगर बीमारी के दौरान नमक ना खाया जाए तो बीमारी जल्दी अच्छी हो जाती है। तो यही सुझाव उन्होंने बा को दे दिया। और जब बा से कहा तो बा ने क्या जवाब दिया? तो फिर बा ने बापू जी से कहा, यदि आपको नमक छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ देंगे? यही बात बा ने बापू से कह दी। अब बापू ने क्या सोचा मन ही मन? फिर बापू ने सोचा कि अगर हमें किसी को कोई बात समझानी है तो पहले उसे स्वयं करके दिखाना चाहिए, तो उससे बात का असर ज्यादा पड़ता है। और इसीलिए बापू ने पूरे एक साल तक बिल्कुल नमक नहीं खाया। हाँ, साल भर उन्होंने बिना नमक का भोजन किया। और उन्होंने यही बात बा को भी सिखाई, तो उनकी देखा देखी बा ने भी भोजन में नमक लेना बंद कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बा की तबीयत बहुत जल्द अच्छी हो गई। तो ऐसे थे बापू। तो बच्चों, तुम लोगों को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा दृढ़ निश्चय करो, अच्छे काम करो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना बहुत अच्छी बात होती है। समझ गए ना?